आज हम आपको कटिंग एंड जॉइनिंग ऑफ बाइस स्ट्रिप सिखाएंगे। उसके लिए हमें निम्नलिखित सामान की ज़रूरत है, जैसे एक टेलर चॉक, मेजरिंग टेप, कटिंग सीजर, 12 इंच स्केल और कुछ मटेरियल। सबसे पहले बाइस स्ट्रिप कैसे काटी जाती है, उसके लिए हमने एक स्क्वायर पीस लिया है 10x10 का। उसमें हमने स्केल से तिरछी लाइन लगानी है। उसमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। चॉक से हमने मार्किंग करनी है। उसके बाद इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर रखते हुए एक तिरछी लाइन मार्क करनी है। उस लाइन के पैरलर 3 सेंटीमीटर चौड़ाई लेते हुए दूसरी लाइन मार्क करनी है। पट्टी की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर रखनी है। उसे हमें मेज़र करना है 3 सेंटीमीटर, और पट्टी की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर रखनी है। दूसरी जगह से भी 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से पैरलर मार्किंग 3 सेंटीमीटर की एक और करेंगे। उसके बाद इसको हमें कट करना है। ये हमें 2 तिरछी 22 पट्टी मिली। इसे हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए मशीन की ज़रूरत है। अब हमें उरेब पट्टी को जोड़ना है। जोड़ने के लिए तिरछे से तिरछा मिलाते हुए कॉर्नर मैच करेंगे और इसे जॉइंट कर देंगे। इसको सीधा करेंगे, मार्जिन को प्रेस ओपन करेंगे और प्रेस का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद उसी टेबल पर यूज़ है। इसे हमें प्रेस करना है। प्रेस करते हुए ध्यान रखना है, मार्जिन खोल के रखना है। अभी हमने प्रेस किया, उसके बाद कॉर्नर्स को कट कर देना है।
इस तरह हमारी, और एक पट्टी कैसे जोड़ते हैं, लंबी पट्टी तैयार हो गई।